उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा जिसमें दोस्तों आपका पीईटी होगा। और दोस्तों नमस्कार, जय हिंद सभी साथियों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों आईटीबीपी में फिर से जो है नई भर्ती आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपका टोटल 526 पदों पर होने वाला है और ये टेलीकॉम का उसमें दोस्तों पद रहने वाला है। तो इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे। एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, कब तक अप्लाई होगा, सैलरी क्या है, तो सारा जानकारी यहां पर इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आप सभी लोग जो है देख सकते हैं। ठीक है, तब आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इसके बारे में बताने वाला हूं, जो 526 पद आया है आपका आईटीबीपी टेलीकॉम का नई भर्ती को लेकर के। एज लिमिट, एजुकेशन, सैलरी, सिलेबस, सारा जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और देखिए ये नोटिफिकेशन है, मैं इस पे आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा हो जाएगा ना, और इसमें आप लोग समझ नहीं पाइएगा क्योंकि लिखा हुआ छोटा छोटा है। इसी चीज को मैं अपने वेबसाइट पे डाल दिया हूँ। ठीक है, आपको जाना होगा गूगल में, अभी तो मैं बता ही रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए जाएंगे मेरे वेबसाइट पे तो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। dreamtojob.com करके आप गूगल में सर्च मारिएगा, इस तरीके से आ जाएगा वेबसाइट अपना। ठीक है, चलिए इस तरीके से ये दोस्तों खुलेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं आईटीबीपी टेलीकॉम वैकेंसी 2024, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और उससे पहले भी बता देता हूँ, देखिए अभी बहुत सारा जो वैकेंसी चल रहा है, जैसे बीएएस एयरपोर्ट का लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, इसके बारे में चलिए हम लास्ट में बात करेंगे। अभी कौन कौन सा आपके लिए भर्ती जो लाइव है चल रहा है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऐड आएगा, तो इसे कट कर दीजिएगा आप लोग। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों आपके सामने में जो है ना इसका पूरा डाटा खुल जाएगा, इस वैकेंसी को लेकर के आईटीबीपी टेलीकॉम जो 526 पदों पर आपका आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग साथियों नीचे आएंगे जैसे ही, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत ही आसान तरीके से सारा कुछ मैं समझा दिया हूँ। अगर हम एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें, मतलब नोटिफिकेशन नंबर 10/2024 है, और इसमें देखिए दोस्तों तीन तरीके के पद हैं आपके। ठीक है, ये जो टेलीकॉम में टेलीकम्युनिकेशन में आपका आया है आईटीबीपी में, ये तीन तरीके का पद इसमें आया है। एक तो दोस्तों इसमें आया है सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का, एक हेड कांस्टेबल टेलीकॉम का, एक कांस्टेबल टेलीकॉम का। ठीक है, तो टेलीकॉम आपका जो है ब्रांच रहने वाला है, लेकिन इसमें पद तीन तरीके के है। एक एसआई है, मतलब जैसे दरोगा होता है सब इंस्पेक्टर, एक आपका एचसी मतलब हेड कांस्टेबल, और एक आपका है कांस्टेबल। ठीक है, तो ये तीन पद इसमें आपका रहने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं आगे इसको। अब दोस्तों देखिए इसका डेट के बारे में हम बता देते हैं, वैकेंसी जो ये आया है ये इसका अप्लाई कब से शुरुआत होगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों 15 जो है नवंबर से शुरुआत हो जाएगा, लास्ट डेट आपका जो है 14 दिसंबर यहाँ पर रखा गया है। नोटिफिकेशन कब आया, तो 22 अक्टूबर को आया है। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपके लिए ना बहुत ही अच्छे तरीके से लाता हूँ सारा जानकारी, इसलिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिएगा। ठीक है, और बताइएगा अगला वीडियो किस चीज पे चाहिए। अब ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन फी के बारे में हो गया, 200 रुपये आपका एप्लीकेशन फी लगेगा। अगर आप जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं तो, और आप एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो, जैसे कि मैं आपको क्या बोला, एक इसमें एसआई का पद है, एक आपका हेड कांस्टेबल, और एक आपका जो कांस्टेबल का। तो जो भी लोग जनरल, ठीक है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले हैं, वो तीनों अगर एसआई पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उनका 200 रुपये यहाँ पर फीस जो है लगने वाला है। ठीक है, और अगर आप लोग हेड कांस्टेबल या तो फिर कांस्टेबल के लिए अप्लाई करेंगे जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस वाले, तो 100 रुपये लगेगा। बाकी एससी एसटी वाले कोई भी पद के लिए भरे, उनका कोई भी फी नहीं लगेगा, चाहे तो आप एसआई के लिए भरिए या हेड कांस्टेबल के लिए या तो फिर कांस्टेबल के लिए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे देखते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। देखिए किसमें दोस्तों कितना वैकेंसी है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे सब इंस्पेक्टर का, तो यहाँ पर आपका 92 वैकेंसी है। और टेलीकॉम का बात करें, हेड कांस्टेबल का बात करें, तो 383 है, जो कि सबसे ज्यादा है। और ये दोस्तों आपका कांस्टेबल का बात करें तो 51 है। और सबके लिए जो योग्यता भी अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी लोग देख सकते हैं। अगर हम योग्यता की बात करें तो आपका जो सब इंस्पेक्टर का, इसमें बीएससी बीटेक बीसीए जो किए हुए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। बाकी बात करें जो हेड कांस्टेबल के लिए भरेंगे, वो 12th पास होना चाहिए और साथ में जो है आपका पीसीएम होना चाहिए। ठीक है, या तो आईटीआई डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों अगला बात करते हैं कांस्टेबल के लिए, तो 10वीं पास। तो देखिए 10वीं के लिए भी यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो जिसके पास अदर एक्स्ट्रा प्रोफेशनल डिग्री नहीं भी है तो वो भी इस चीज के लिए आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे इसमें देखते हैं आगे और क्या दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, तो सबसे पहले इसमें दोस्तों आपका जो है रिटर्न एग्जाम होगा,
और रिटर्न एग्जाम की अगर बात करें तो सीबीटी होगा या तो फिर ऑफलाइन होगा। इसके बारे में अभी नहीं बताया गया है क्योंकि फुल नोटिफिकेशन नहीं आया है, सिर्फ अभी शॉर्ट नोटिफिकेशन दिया है कि हम जो भर्ती लाएंगे और इस डेट से इसका अप्लाई जो है चालू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका फिजिकल होगा, जिसमें दोस्तों आपका पीईटी होगा और दोस्तों पीएसटी होगा। पीएसटी मतलब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है। उसके बाद डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन, जिसमें आरईएमए और दो गो इसमें होता है, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो आपको चार्ट दिख रहा है ना, इसमें पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसी और इसमें सैलरी भी दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि बात के मतलब अगर आप सब इंस्पेक्टर के लिए इसमें अप्लाई करते हैं, सब इंस्पेक्टर के लिए, जिसमें दोस्तों आपका टोटल वैकेंसी कितना था तो 92 था। 92 में से दोस्तों यहाँ पर जो है फीमेल के लिए कुछ वैकेंसी दिया हुआ है, 6 और 2 8 और 2 10, जिसमें दोस्तों आपका कैटेगराइज कर दिया है सभी को, ठीक है। और बाकी दोस्तों 78 वैकेंसी इसमें दिया हुआ आपका, 92 में से 78 को दिया हुआ है मेल के लिए, जिसमें आपका जो है एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इस तरीके से दिया हुआ है। यहाँ पे जनरल होना चाहिए था लेकिन नहीं था, तो इसे हम ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जनरल होगा, ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ओके। तो इस तरीके से आप अपने कैटेगरी वाइज देख लीजिएगा कि इसमें ज्यादा वैकेंसी है और आप उसी से जो है अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो ये पूरा मिल जाएगा। बाकी दोस्तों फॉर्म किस तरीके से भरना है इसके लिए हम वीडियो बना देंगे आपको, जब इसका अप्लाई जो है चालू हो जाएगा तब। ये नवंबर में चालू होगा, मैं आपको बता दिया। अगर ये नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करना है शॉर्ट नोटिफिकेशन, तो यहाँ पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा और 15 नवंबर से जो ये अप्लाई चालू होना हो जाएगा, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन आएगा तो भी और मैं आपको वीडियो बना करके बता दूंगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों सारा जानकारी आई टी बी पी टेलीकम्युनिकेशन जो नया भर्ती आया है एसआई हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पद पर। आशा करते हैं कि आपको पूरा जानकारी समझ में आया होगा और दोस्तों के पास में जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है, इस चीज को लेकर के। अब हम बताते हैं दोस्तों कि आपको जो है यहाँ पर अभी कौन कौन सा वैकेंसी जो है लाइव चल रहा है आप सभी लोगों के लिए। तो देखिए सबसे पहले बात करें तो एनटीपीसी जो कि लास्ट डेट अभी 27 तक है, 10+2 लेवल का। उसके बाद दोस्तों बीएएस एयरपोर्ट वाला की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 31 अक्टूबर इसका लास्ट डेट है। बाकी आईटीबीपी एएसआई एचसी उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म इसका भी दोस्तों चल रहा है, ठीक है। और आईटीबीपी ड्राइवर कॉन्स्टेबल आप लोग जा करके ना चेक करते रहिएगा मेरे वेबसाइट पे, आपको सारा जानकारी यहाँ पर मिलता है। और जितने भी स्टूडेंट हैं मैं बताना चाहूंगा कि आप लोग एक बार एबीसी आईडी कार्ड जरूर बना लीजिएगा, कोई भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ रहे होंगे तो, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों नीचे आएंगे ना जैसे ही मेरे वेबसाइट पे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको 3 सेक्शन बनाया गया है आप सभी लोगों के पढ़ाई में मददगार होने के लिए, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है डेली आप लोग जो है मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके 25 क्वेश्चन का जो है जीके जीएस का क्यूज लगा सकते हैं, वो भी फ्री में। और यकीन मानिए क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग सेट करके देते हैं ना कि मजा आ जाएगा। और कोई भी आप जाइएगा कंपटीशन एग्जाम में तो धजिया उड़ा करके आइएगा, ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन का डेली क्यूज चलता है, क्यूज स्टार्ट करेंगे बोट है तो आपका 25 क्वेश्चन आते जाएगा। एक क्वेश्चन का उत्तर देंगे तो दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, फिर दूसरा देंगे तो तीसरा आ जाएगा, इस तरीके से डेली चलता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगर बात करें यूट्यूब चैनल से आपको ज्वाइन होना है जीके जीएस जिस पे पढ़ाया जाता है डेली फ्री में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके जा सकते हैं। बाकी हम लोग स्पेशल जीके जीएस का नोट्स तैयार कर रहे हैं जो कि 1 रुपया में हम लोग आपको सेल करने वाले हैं, ठीक है। चाहते तो यहाँ पे हम 0 कर सकते थे लेकिन फ्री में नहीं दिया जाता, शिक्षा आपको भी पता है वरना कोई उसका वैल्यू नहीं देता है, ठीक है। इसलिए हम 1 रुपया यहाँ पर दोस्तों रखे हुए हैं, ठीक है। तो अभी ये अवेलेबल नहीं है, अभी इस पर हम लोग काम कर रहे हैं क्योंकि जब भी हम लोग प्रोवाइड कराएंगे तो अच्छे तरीके से आपको पीडीएफ वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों पूरा जानकारी आपको समझ में आ गया होगा, बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।